हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ घर पे सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 48 है हमारी। देखो, हमारी वर्कशीट 24 को आई थी, 24 अक्टूबर को, लेकिन ऑटम ब्रेक के कारण ये जो हमारी वर्कशीट है ये अब हम किस डेट में करनी है, 28 अक्टूबर। ठीक है, 28 अक्टूबर को ये हमारी वर्कशीट है, सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2। कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? सामाजिक विज्ञान। कक्षा हमारी 10th है। विद्यार्थी का नाम मेंशन करेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, लोकतंत्र के परिणाम। क्या है आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक बेटा? लोकतंत्र के परिणाम। देखो, सबसे पहले तो आपको इसमें ना लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र होता क्या, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि लोकतंत्र होता क्या है। क्या होता है लोकतंत्र? लोकतंत्र होता है लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार। अब्राहम लिंकन ने इतनी अच्छी जो है डेफिनेशन दी है, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार। लोकतंत्र मतलब जनता अपनी द्वारा, अपने द्वारा सरकार चुनती है। ओके, समझ आया लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी, लोगों की सरकार। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वर्कशीट में। देखो, कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव और विभाजन को पूरी और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता। देखो, एक समाज है, जैसे हमारा समाज है, उसमें हर तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर अलग है, लिंग के आधार पर अलग है। ओके, समझते हो? तो उनके बीच टकराव होना संभव है और विभाजन भी होंगे, बंटवारा भी होता है उनके बीच। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो पूरी तरह से इन विभाजनों और टकरावों को खत्म कर दे, मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, पर हम अंतरों में विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं। लेकिन हम इन सभी जो भी हमारे बीच टकराव है, विभाजन है, उनके बीच अंतर और विभेदों, जो भेद है, उनका आदर करना सीख सकते हैं। इनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं, और मतलब हम ये कर सकते हैं कि इन सब के बीच तालमेल बैठाया जाए, सामंजस्य बैठाया जाए, ऐसा तरीका हम ढूंढ सकते हैं। और ऐसा तरीका किस प्रकार की सरकार में, किस प्रकार के सिस्टम में हम ढूंढ सकते हैं? लोकतंत्र। इसमें लोकतंत्र सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपनी अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं। मतलब अगर आपकी जो देश में तानाशाह सरकार है, तो तानाशाह जो है वो सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी समूह का आदर नहीं कर पाते। किसी विशेष समूह को लेकर वो कानून वगैरह बनाते हैं तो वो इन विभेदों का आदर नहीं कर पाते, या उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है। लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। अल्पमत, देखो बहुमत, जैसे अभी जो भाजपा की सरकार है वो बहुमत वाली सरकार है, इन्हें बहुमत मिला है, तो अल्पमत जिनको कम वोट मिले हैं, जो अल्पमत में है, उनका भी ध्यान रखना होता है। मतलब विपक्ष पार्टी का भी ध्यान रखना होता है, जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी भी सुननी होती है। विपक्ष का अंकुश होता है बहुमत वाली सरकार पर, मतलब पार्टी जो अभी किसमें है, सत्ता में है। बहुमत या अल्पमत की राय, अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। इसका मीनिंग क्या है कि बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। देखो, आज अब की बार मतलब जो सेशन चल रहा है, जैसे 2019 से जो भी 24 तक का है, 5 साल का, इसमें बीजेपी को बहुमत मिला है, तो क्या पता ये बहुमत कल दूसरी पार्टी के पास चला जाए। तो इसलिए इन्होंने बोला है बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। बहुमत के शासन का अर्थ क्या है? बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत का अर्थ है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग या समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है, यह जन्म से निर्धारित नहीं है। ओके, ये तो है बहुमत के शासन का अर्थ। अब देखो, वैसे तो वर्कशीट में आज बिल्कुल एक छोटा सा पैसेज आया है हमारा,
लुप्त, हमें अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसमें आंसर देनी है। वैसे आज की जो चार क्वेश्चन आए हैं हमारे, लोकतंत्र टकराव को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है, कुछ उदाहरण देकर बताइए। लोकतंत्र मतलब जो टकराव है समाज में, उनको लोकतंत्र ही कैसे बेहतर तरीके से सुलझा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी के जो भी टकराव है विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न समूह के बीच, उन सबका आदर करता है, ठीक है, और सभी की सुनकर ही कोई फैसले लिए जाते हैं, तो टकराव कम होने की संभावना है। दूसरी जैसे और गैर लोकतांत्रिक सरकारों से, ये तो इन्होंने पहले ही दिया है कि पूरी तरह से हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें सुलझा जरूर सकते हैं। आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का आदर भी होना चाहिए, क्यों लगता है आपको अल्पमत का आदर होना चाहिए? थर्ड क्वेश्चन है, लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता कि जो बहुसंख्या में है बस उन्हीं का शासन हो और जो अल्पसंख्यक समूह है उनका आदर नहीं किया जाए, ऐसा नहीं। आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर आपको दिखाई देते हैं, कैसे उन अंतरों के होते हुए भी साथ साथ जीते हो, हम जीते हैं, इन चार क्वेश्चन के आंसर है मैंने आपको रिटर्न में आगे दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके वहां से लिख सकते हो और मैं आपको भी समझाऊंगी। तो लोकतंत्र हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में टकराव को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है, लोकतंत्र टकराव को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता। विविधता के कारण टकराव को पूरी तरह से तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे टकराव को न्यूनतम स्तर पर रख पाना संभव पाता है। लोकतंत्र में आम राय से बात आगे बढ़ती है, इस तरह से समाज के विभिन्न समूहों की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। लोकतंत्र में ना जो भी कोई निर्णय लिया जाता है आम राय से लिया जाता है, ठीक है, तो आम राय में तो समाज के विभिन्न समूह विभाग लेंगे, सभी की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है, तो टकराव कम होने की संभावना है। साथ ही साथ लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, कानून के सामने सभी बराबर होते हैं, मतलब सभी के लिए कानून समान है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी वर्ग या समूह से संबंधित है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है, मतलब चाहे वो व्यक्ति अमीर है, अगर वो एक वोट डालता है तो उसकी कीमत एक ही होती है। ये नहीं है कि अगर उसने एक वोट डाली है तो उसकी कीमत दो, हर गरीब एक वोट डालता तो उसकी कीमत एक, नहीं, एक व्यक्ति एक वोट और उसका एक ही मूल्य होता है। अर्थात कहने का मीन से कि सभी समान होते हैं लोकतंत्र में। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसलिए हम कह सकते हैं, तो निष्कर्ष भी हम यहाँ निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें टकराव को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है। आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का आदर भी होना चाहिए, अपने कुछ अनुभव बताइए। देखो, पहला, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि अल्पमत अर्थात जो विपक्ष में है, विपक्ष के विचारों का भी सम्मान हो। देखो, अगर बहुमत की ही सरकार की चलेगी तो वो अपनी मर्जी से भी फैसले ले सकती है, लेकिन अगर विपक्ष का उस पर अंकुश होगा, विपक्ष का अगर दबाव होगा, तो वो फैसले जरूर जनता के हित में लिए जाएंगे। दूसरा, लोकतंत्र में अल्पमत और बहुमत स्थायी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जो आज पार्टी अल्पमत में है वो हमेशा अल्पमत में ही रहे, क्या पता 5 साल बाद उसे बहुमत मिल जाए। तो कहने का मीन ये है, अल्पमत और बहुमत स्थायी नहीं होता। तीसरा, अल्पमत भी लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, तो उनकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। अब जो अल्पमत में है, ठीक है, उनमें से भी तो बहुत सारे मतलब पार्टी के ऐसे नेता है जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिलता, तो वो भी तो जनता के द्वारा चुने गए, कुछ लोगों ने उन्हें भी तो वोट दिया होगा, ठीक है, वो भी तो किसी के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी भी सुनी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता, समझाइए। यह कथन सही है कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक का शासन नहीं होता। बहुसंख्यक में जो संख्या में ज्यादा है, बहुमत के शासन का अर्थ होता है कि लोग उस विचार से, उस नीति से सहमत हैं जो आज बहुमत में है, कल वह अल्पमत में भी हो सकते हैं। लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ है एक विचार को समर्थन देना, ना कि बहुसंख्यक का शासन। बहुमत में अलग अलग समुदाय समूह के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4, आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं। देखो, मेरे आसपास मतलब फिर भी उन अंतरों को सहन करते हुए भी हम साथ साथ जीते हैं। मेरे आसपास अलग अलग भाषा, संस्कृति, धर्म के लोग रहते हैं, साथ ही साथ
आर्थिक और लिंग के आधार पर भी लोगों में विविधता दिखाई देती है। हम सब एक दूसरे के साथ अलग धर्म के रहते हैं, अलग जाति के भी हैं, भाषा अलग बोलने वाले भी मिल जाएंगे, फिर भी हम एक साथ रहते हैं। कैसे? हम क्या बिठा लेते? तालमेल बिठा लेते एक दूसरे के बीच, ठीक है, एडजस्ट कर लेते, कहते हैं ना एडजस्ट करना। हम सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के विचारों को महत्व देकर, अलग अलग विचारों वाले व्यक्ति भी होते हैं फिर भी उन्हें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। एक दूसरे के विचारों को महत्व देकर हम साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे जो आज के आपके चार क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर मैंने आपको रिटर्न में दिए हैं। यहाँ से वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हो। ये आपकी 28 अक्टूबर की वर्कशीट करवाई है मैंने आज, जो 24 को लिंक इसका आ गया था आपकी बेटा आज की जो वर्कशीट थी। इसलिए वर्कशीट को वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन आंसर लिखने और अपने ग्रुप में करके भेजे, सभी बच्चे काम करके भेजे बेटा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले ही पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।